नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। बात करने वाले हैं कोई खेल के बारे में। देखिए, 15 तारीख को कंपनी ने बायबैक का अनाउंसमेंट किया था, उसके बाद स्टॉक में काफ़ी दमदार तेज़ी बनी। अब गैप अप के साथ खुला, अपर सर्किट को भी हिट किया और आज के दिन भी काफ़ी अच्छी तेज़ी के साथ स्टॉक ने कारोबार किया है। जानेंगे इस वीडियो में बायबैक का प्राइस क्या एक्सपेक्टेड रह सकता है। आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नया आए सब्सक्राइब नहीं किया तो भी कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। आज के दिन देखिए, करीब 4% की तेजी के साथ स्टॉक ने कारोबार किया। 225 से 235 रुपए के भाव पर बायबैक एक्सपेक्टेड आ सकता है, जो कि 14 जुलाई को स्टॉक का प्राइस 167 के आसपास था। उसकी तुलना में देखेंगे तो 35 से 42% के प्रीमियम के आसपास ये स्टॉक का प्राइस बैठता है। 5 जुलाई को देखेंगे, यानी आज से करीब 10-15 दिन पहले, तो स्टॉक का भाव 166 रुपए पर ट्रेड कर रहा था और आज के दिन काफ़ी तेजी के साथ स्टॉक ऊपर आ चुका है। कंपनी के पास कैश और बैंक और म्यूचुअल फंड में 350 करोड़ की नकदी यहाँ पर पड़ी हुई है और बायबैक का जो प्राइस है 125 से लेकर 140 करोड़ का रहने की उम्मीद है। उसके अलावा अमाउंट हम देख चुके हैं, इक्विटी नंबर ऑफ इक्विटी देखें, 9.5 से 10.5% इक्विटी शेयर कैपिटल का बायबैक कंपनी यहाँ प्रोबेबली कर सकती है। अब देखिए, कंपनी का लेटर पैड मैंने ओपन किया है। 15 जुलाई 2022 को इन्होंने अनाउंसमेंट किया था अपनी एक्चुअली डेट का, जो Q1 के नंबर से 21 जुलाई 2022 को डिक्लेयर करेंगे, जो कि यहाँ बता रहे हैं। सेकंड नंबर पॉइंट यहाँ इन्होंने ऐड किया, द प्रपोजल फॉर द बायबैक ऑफ फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी, यानी Q1 के नंबर 21 जुलाई को डिक्लेयर किए जाएंगे, उसके साथ कंपनी बायबैक का भी यहाँ अनाउंसमेंट करेगी। अब देखिए, उसके बाद अगर बात करें कंपनी के डेली चार्ट की, तो सबसे पहले आपको मैं दिखाऊं पिछले साल जून जुलाई इसी साल मतलब इसी महीने के आसपास देखेंगे तो स्टॉक ने हाइज लगाए थे 325 रुपए के, उसके बाद लगातार स्टॉक फिसला भी है और फिलहाल देखेंगे कल और आज स्टॉक 200 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी 200 के ऊपर स्टॉक जब तक है तब तक यहाँ मजबूती स्टॉक में बनी रहेगी। और 21 जुलाई में अभी 2-3 दिन बाकी है, तो उम्मीद करते हैं स्टॉक में अगला टारगेट 212 की रेंज 215 की रेंज तक का बनेगा, और 215 की रेंज को अगर स्टॉक ब्रेक करेगा तो फिर 225 और 250 तक के यहाँ पे टारगेट और देखने को मिल सकते हैं। डिपेंड करेगा क्यों उनके नंबर कैसे हैं, अगर नंबर भी बढ़िया रहे और बायबैक का अमाउंट भी 230 से 35 की रेंज का रहा तो स्टॉक 225 पे आपको फर्दर जल्दी दिखेगा और वहाँ पे एक हर्डल को अगर ब्रेक करता है तो मोमेंटम इसका बायबैक के प्राइस तक भी देखने को मिल सकता है। कमेंट कर बताना कैसे लगे आपको इसके जो न्यूज़ और ये डेटा आ रहे हैं, क्या आपने इसको बाय कर रखा है। वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।